अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अरफात कुरैशी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। आज 14 मार्च 2022 है और उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमेस्टर स्प्रिंग का आगाज़ है। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ने नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक वेलकम पार्टी या ओरिएंटेशन के लिए इनकाद किया है, जिसमें आप मेरे पीछे देख रहे हैं सारे ये न्यू एडमिटेड स्टूडेंट हैं। फर्स्ट सेमेस्टर इनकी आज से क्लासेस शुरू होंगी। इनमें से कुछ स्टूडेंट से हम बात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उर्दू यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्यों एडमिशन लिया है, उर्दू यूनिवर्सिटी के एडवांटेजेस क्या थे, कि बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के उन्होंने उर्दू यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया, और आगे जो दाखिल होने वाले स्टूडेंट हैं उनके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं। तो ये सारा एक्सपीरियंस आपसे हम लोग शेयर करेंगे। अभी थोड़ी देर में इंचार्ज कैंपस साहब और एडिशनल रजिस्ट्रार साहब भी आएँगे और स्टूडेंट से खिताब करेंगे, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? वसीम हसन खान। वसीम हसन खान, कौन से डिपार्टमेंट में दाखिल? BScS। BScS में कहाँ से आए हैं आप? मैं कश्मीर से। कश्मीर से उर्दू यूनिवर्सिटी क्यों आए हैं? अच्छी इसकी है। कोई रीज़न बताएं हमें। सर, एक तो ये इस्लामाबाद में करीब है हमारी तरफ से कश्मीर आना जाना, दूसरा अच्छी है, सरकारी है, बाकी फी भी मुनासिब है और डिपार्टमेंट भी अच्छा है इस वजह से। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, वालेकुम। क्या नाम है आपका? असफंद यार वली। आपने किस डिसिप्लिन में दाखिला लिया है? मैं CS में। क्या वजह है CS में दाखिला लेने की, क्या बनना चाहते हैं, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर में मतलब अगर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली मतलब तो अपने प्राइवेट कोई सर ऑफिस खोलूँ या कोई किसी दूसरे के लिए कोई इस तरह कोई काम मिल जाएगा मेरी वजह से। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? वालेकुम सलाम, हवीरत शहजाद। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं गोरी टाउन से आया हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम मरी। अच्छा, मरी से। जी जी। तो उर्दू यूनिवर्सिटी का इंतखाब क्यों किया आपने अपने? सर, मैंने हर जगह यूनिवर्सिटी में विज़िट किया, हर जगह देखा, मुझे जहाँ की इन्वायरमेंट अच्छी लगी, जहाँ पे मतलब मुझे अट्रैक्शन हुई, उस वजह से मैं उर्दू यूनिवर्सिटी मुझे बेस्ट लगी और इसीलिए मैं उर्दू यूनिवर्सिटी में आया, बाकी यूनिवर्सिटियों से मुझे बेहतर लगी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? शायान खान। शायान खान, आपने किस डिसिप्लिन में दाखिला लिया है? BBA में। BBA में कहाँ से आए हैं आप? सवाबी से। सवाबी से, हाँ। तो इस्लामाबाद आए हैं सवाबी से, तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के उर्दू यूनिवर्सिटी, हाँ। तो क्या रीज़न है इसकी? रीज़न ये है, ये मुझे बहुत पसंद आया, वो मेरा कज़न भी इधर एडमिशन किया था, कज़न ने। जी जी, हाँ, तो इसलिए बस। अच्छा, ठीक है, ठीक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शेर बहादुर। शेर बहादुर, आप किधर से आए हैं? मेरा ताल्लुक गिलगित से है। गिलगित से है, तो किस डिसिप्लिन में आपने एडमिशन लिया है? मैंने इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में एडमिशन किया। उसकी रीज़न क्या है इकोनॉमिक्स में दाखिला लेने का? क्योंकि मैंने एफएससी किया, उसके बाद मैंने ये प्रोग्राम बनाया कि मैं इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में मैं एडमिशन करूँ, मुझे काफ़ी, एक तो मेरा शौक है इसमें, सो इसे मैंने लिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? मेरा CS है सर। CS में दाखिला लिया है, कहाँ से आए हुए हैं? मैं स्कर्दू से आया हूँ। स्कर्दू से आए हैं, तो उर्दू यूनिवर्सिटी क्यों आए हैं इतनी दूर से? मैं बस उर्दू यूनिवर्सिटी मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी है। उसकी कोई रीज़न है? कोई रीज़न नहीं, यहाँ पे मैंने सुना है कि CS बहुत अच्छी है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम हुसैन अली है। हुसैन अली जी सर। आपने CS में दाखिला लिया है? जी जी सर। कहाँ से आए हुए हैं? मैं गिलगित से आया हूँ। गिलगित से, तो कोई रीज़न खास CS में दाखिला लेने के? इस वक्त तो अभी पूरा दुनिया में CS का कंपटीशन ज़्यादा है, इस वजह से मेरा CS में इंटरेस्ट था, इसलिए आया हूँ सर। ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसाम। आसाम, कहाँ से आए हैं आप? मैं गुजरात से। गुजरात से यहाँ पे इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए? जी जी। तो उर्दू यूनिवर्सिटी का इंतखाब, कोई ख़ास वजह? एक तो गवर्नमेंट का और काफ़ी नाम भी सुना था इसके बारे में। जी, तो इस वजह से बस यही चूज़ की। ठीक, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा आरिफ। उसामा आरिफ, आपने किस डिपार्टमेंट में दाखिला लिया है? BS इंटरनेशनल रिलेशन। BS, तो IR में
आप बीएस करके क्या करना चाहते हैं, आगे क्या इरादा है आपका? जी आगे या तो सीएसएस है, फॉरेन अफेयर्स है, जर्नलिज्म है, बहुत सारे स्कोप हैं इसमें, तो इंशाल्लाह जी कोई अच्छा ही होगा। बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली शाहजेब खान। अली शाहजेब खान, किस डिपार्टमेंट में दाखिला लिया आपने? आईआर। आईआर में कोई खास वजह है आईआर में दाखिला लेने की? कोई नहीं जी, इतनी खास वजह नहीं है कोई, बस थोड़ा सीखने का शौक़ है, इंटरनेशनल रूल्स वगैरह, लॉज वगैरह, और सीएसएस का भी थोड़ा सा कोई माइंड सेट है, तो बस डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता हूँ और इस तरह के थोड़ा अच्छा फील होता है। बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात। आपका नाम क्या है भाई? फारूक हुसैन शाह। फारूक साहब, आपने किस में एडमिशन लिया है अभी? पीएचडी उर्दू में मेरा एडमिशन हुआ है। पीएचडी में उर्दू में एडमिशन लिया है, तो कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कंटिन्यूसली स्टडी कर रहे हैं? नहीं, मैं यहीं पे पहले विजिटिंग प्रोफेसर था जी, जी। तो अभी पीएचडी की वजह से मैंने अपनी वो छोड़ दी टीचिंग, ताकि मेरी सारी तवज्जो तहकीक के ऊपर रहे, उसमें रिसर्च के ऊपर है। तो कैसा समझते हैं उर्दू डिपार्टमेंट के बारे में आप, क्योंकि मेरा चूँकि मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, विजिटिंग प्रोफेसर, एमफिल भी मैं यहाँ से टॉपर हूँ। तीन चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं इस यूनिवर्सिटी की। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट असातज़ा इकराम, ज़बरदस्त इंसान साजी आपका जो मज़मून है उस हवाले से। दूसरी चीज़ ये जो अभी कैंपस हमें मिल गया है ना, वो G7 से लेके यहाँ तक, ये बहुत खूबसूरत हो गया तलबा तालिबात के लिए। अब आप ये देख ही रहे हैं, काफ़ी सारा माहौल बन गया उसमें। और तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि फ्यूचरिस्टिक अंदाज में, कि यहाँ पर इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा तावन करती है तलबा तालिबात को रहनमाई फ्राहम करने के हवाले से लेके पहुँचाने तक, ऊपर पहुँचाने तक। ये तीन चीज़ें मुझे बड़ी ज़बरदस्त इसमें लगी हैं। और उर्दू शोबा का जहाँ तक है, वो तो है ही तहजीब और सकाफत जी, उर्दू का ताल्लुक ही, यूनिवर्सिटी का नाम भी उर्दू यूनिवर्सिटी है, उर्दू यूनिवर्सिटी उसमें, और तहजीब और सकाफत के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त काम है शोबा उर्दू का। अदब आदाब की बात, अखलाकियात की बात, असातज़ा के एहतराम, वो जो हमारी मशरकी अकदार थी जो ख़त्म हो चुकी हैं जी, जी। वो शोबा उर्दू उन चीज़ों को दोबारा से उठा रहा है, और तलबा तालिबात में वो तड़प, यानी मैं अभी भी असातज़ा कराम के पास से गुजर के सामने नहीं जाता, हाथ बांध के। हम ये बड़ी मुश्किल से 21वीं सदी में ये चीज़ें हासिल हो रही हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاك الله یہ آفیس سرفراز صاحب تھے جو تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے اب میں بی ایس اردو سیکنڈ سمیسٹر کے طالب علم حافظ خلیل صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور نعت مقبول شریف پیش کریں جہاں روزے پاک خیر الورا ہے
हैबत नहीं है तो फिर और क्या है, कहाँ मैं कहाँ है मदीने की गलियाँ, कहाँ मैं कहाँ है मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहबे काबा कौसैन ठहरे। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, ये अजमत नहीं है तो फिर और क्या है। तुम इकबाल नात कह तू रह हो, मगर ये भी सोचा के क्या कर रहे हो। तुम इकबाल नात कह तो रह हो, मगर ये भी सोचा के क्या कर रहे हो। कहा तुम कहा मद है ममदू है अज़दा, कहा तुम कहा मद है ममदू है अज़दा, ये जुर्रत नहीं है तो फिर और क्या है। जज़ाकअल्लाह। हाफिज़ खलील साहब नात मकबूल शरीफ पेश कर रहे थे। आप तमाम तुलबा वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जानिब से, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, यूनिवर्सिटी के सदूर शोबाजात की जानिब से और यूनिवर्सिटी के तमाम उसातज़ा की जानिब से मैं आपको वेलकम करता हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप इस बात को मलहूज़े खातिर रखना है कि आज के बाद आपका किरदार, आपका इखलाक और आपकी शख्सियत वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की तर्जमानी करेगी। आप जहाँ भी जाएँ और जहाँ भी आप रहें, आपने अपनी शख्सियत के अंदर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करना है, उसकी नुमाइंदगी करनी है, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब मैं दावत दूंगा इंचार्ज कैंपस जनाब डॉक्टर आमिर नदीम साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और आपके रूबरू हों। रिस्पेक्टिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड न्यू कमर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं? सो ऑन द बिहाफ ऑफ माई होल फैकल्टी, होल फ्रेटर्निटी ऑफ द उर्दू यूनिवर्सिटी, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। सो वेलकम स्प्रिंग 2022। सो आई एम फीलिंग ग्रेट प्लेयर on this occasion after a gap of at least 2 years. We were in quarantine, this orientation was also in quarantine, so everybody was in quarantine, so at least face to face classes are started now. So on the behalf of the university, I again welcome you to you, to all of you. Before starting this 4 year of BS program, one thing you should keep in your mind,
How many people have any idea? How many peoples are able to this higher education? How many peoples from this universe are able to go into the university, get admission into the universities? Overall, in developing countries, they are 5%. In our countries, they are the 2%. These are the people who are responsible for this modern eras, for this structure of this universe, for the research responsibilities, for the academic responsibility. Do you are out of 5% of those people. So you are lucky. First of all, go home and give hug to your parents, give regard to your parents who make it possible for you that you are able to get into the university. So, welcome to the 5% of this planet. You are the people who are the responsible for the next generation research, for the new things in the universe. जब भी हम लोग आते थे यूनिवर्सिटी में जो एक फीलिंग्स होती थी, मैं हमेशा कहता हूँ जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आता, स्टूडेंट्स नहीं आते, उसके साथ ख्वाब आते. वो ख्वाब सिर्फ आप लोगों के नहीं होते, वो आपके टीचर्स के भी होते हैं, आपके पेरेंट्स के भी होते. पर्पस क्या है यहाँ पे आने का? दिस इज द लास्ट टेंट, दिस इज द लास्ट हुड आफ्टर विच यू विल स्टेप इन टू द प्रैक्टिकल लाइफ. वट एवर यू विल लर्न हियर, वट एवर यू विल गेट स्किल हियर, whatever you will get, that will help you to tackle the typical or complex connectivities of the life. If you are not able to get skill, if you are not able to make yourself up to that mark, then it is not possible to tackle the difficulties of the real life. This 4 year is not the 4 year, this is a whole lifespan. This will give you the good life, not to you, to your parents, to your teachers. It will not only give you the respect to your families, it will also give the respect to your institutes. So, on the behalf of my faculty, I will assure you, our faculty is one of the best faculties of this countries. We have the foreign faculties, we have the local faculties who get the PhDs, local as well as the foreign. But overall, they have the immense experience that if you are able to get their skills or get the knowledge from them, what you do in these 4 years, first of all, try to keep or try to get 3 things must from your teachers. First of all, knowledge. Nobody can स्नैच या नॉलेज या नहीं, हर कोई चीज़ हर कोई आपसे हर कोई चीज़ चोरी कर सकता है, लेकिन नॉलेज नहीं आपसे ले सकता किसी तरह से. ट्राई टू ग्रैस्प द नॉलेज, ट्राई टू पॉलिश योर स्किल, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू कैन डू गुड. अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं वो आपको पता है या आपके टीचर को पता है जो पढ़ाएगा. नंबर 3, ट्राई टू ट्रेन योर माइंड, अपने माइंड को ट्रेन करें कि वो जो भी आपकी डिफिकल्टीज आती है लाइफ की, वो इस नॉलेज के थ्रू जो आप गेन करेंगे उसको सॉल्व कर सके. अगर आप ये 3 काम ना कर सके, तो ये होल लाइफ का जो स्पैन है, ये बिल्कुल इसी तरह होता है जब एरोप्लेन बिल्कुल रेडी होता है फ्लाइट के लिए. नाउ यू आर रेडी टू फ्लाई. सो इन दिस 4 ईयर यू हैव टू लर्न हाउ मच टाइम यू कैन फ्लाई. बाज लोग होते हैं पूरी जिंदगी फ्लाई करते रहते हैं. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लाइंग ऑफ द कैरियर. So Abhi, this is up to you. On the behalf of my faculty, I guaranteed you whatever you need, they will give you according to the professional skills and the knowledge. Second one, orientation. What is the purpose of orientation? Which we feel in last 2 years, lot of things are missed by the student. Aap sabko ek envelope mila hai. इनवेलप नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें आपने देखी है. जब हम लोग बैठे होते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, सर हमें तो ये चीज पता ही नहीं थी, हमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने नहीं बताई, हमें आप लोगों ने नहीं बताई, हम क्या करें? तो हम सब कुछ आपको बता रहे हैं. ये रूल एंड रेगुलेशंस है इस यूनिवर्सिटी का.
इसको ओबे किए बगैर आप यहाँ पे चार ईयर फोर ईयर टू पास द फोर ईयर विदाउट ओबेइंग द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी इज नॉट पॉसिबल. सो इट्स अवर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी विल ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस. इसमें बहुत सी चीजें हैं, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा. इसके बाद आपके टीचर्स आपके अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, वहां पे आपके डिपार्टमेंट्स के हेड और डिपार्टमेंट के टीचर्स भी आपको बहुत सा स्ट्रक्चर बताएंगे अपने डिपार्टमेंट के हवाले से. लेकिन कुछ जनरल चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो एट द एंड ऑफ द डे पता होने चाहिए. अगर कोई ये सारी चीजें रिकॉर्ड भी हो रही है, आप लोग भी सुन रहे हैं, ताकि उस दिन पता हो कि आप लोगों ने सुनी थी. सबसे पहली चीज जो आपने एडमिशन फॉर्म के साथ दी थी, वट इज इफ यू ओपन द एनवेलप देयर इज अ फॉर्म हु वाज साइन बाय योर गार्डियन बाय योर पेरेंट्स एंड गिव सम श्योरिटीज टू द यूनिवर्सिटीज. That is very important. University has zero tolerance if you breach this, the words of these forms. आप यूनिवर्सिटी आए पढ़ने के लिए, आप यूनिवर्सिटी पढ़े, यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉर्नर किसी भी क्लास में जाएंगे, कोई आपको क्लास अटेंड करने से नहीं रोकेगा. किसी भी टीचर के पास जाएंगे, किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, वो कभी कुछ बताने से नहीं रोकेगा. आप यूनिवर्सिटी पढ़ने आए तो आपका मकसद सिर्फ पढ़ना ही होना चाहिए, किसी कोई और मकसद नहीं होना चाहिए आपका. आपका यह मकसद नहीं होना चाहिए कि मैं यहां पे आया हूं दो चार ग्रुप्स का हिस्सा बन जाऊंगा और जौन सा बाकी मैं पढ़ाई जौन सी इस तरह हो जाएगी, इस तरह नहीं होगी. मुझे नेवर एवर बी द पार्ट ऑफ एनी अदर एक्टिविटीज विच आर banned according to the rules and regulations of the universities which are given to you in this envelope. What should be your conduct? What are your limitations according to rules and regulations of the universities are given in your envelopes? So everything is there. If you have a doubt, go home, sit and at least give 2 to 3 hours to these papers. At least you come to know how you will spend these next 4 years, what are the rules and regulations. Many people come to you, we are doing very good, very good, we are doing noble works. Many preachers will come to you. We are this thing for the betterment of the student. The only betterment for your 4 years is that go into your classes, study what your teachers are studying to you. If you have any problem, go and discuss with your teacher, we have this problem. And polish your skills. If you have extra talent, we have the different societies to dig out your extra talent. We have 9 different societies. Someone saying, okay, he is good in speech, go and be the member of speech society. We have. If someone is good in sports, go and be the member of the sports society. So we will here to encourage the good activities, the positive activities, which at least when you go from this institute, you have many badges. Batches of good character, batches of good skill, batches of good health, batches of better spirits. There should be one habit. Everybody inspired from some other body, but there is a limit of inspiration. If you are inspiring in good way, that is very good. That is healthy activities. That is good for you, for your family, for all of us. But if you are inspiring by the things, no, you know that is not good for you, not good for your future. Your future is on stake. We will not allow you. We will never ever give you opportunity that you will cross that boundary. So at the end of the day, so I welcome all of you on the behalf of my all faculty, my all administration. We are here to help you. To give you, to mobilize you, to facilitate you for the next 4 years in term of skill, in term of knowledge. But there is a boundaries for everything. If you will not breach the boundaries, definitely you will get the good result. So thank you very much for all of this, for your coming, for your faculty. Our campus is very beautiful, green, smoke-free campus.
So if you make it more beautiful, that would be nice. Be a part of this journey that will not upraise our university reputation as well as upgrade your skills and mobility. Thank you very much. Thank you very much. Be the part of our university. For choosing our university, thank you very much. Come on. डॉक्टर आमिर नदीम इंचार्ज कैंपस आपसे मुखातिब थे। तमाम तलबा तलबात को रिफ़्रेशमेंट बॉक्सेस दिए जाएंगे। आप सारे अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ़ रखेंगे और आपको यहीं पर बॉक्सेस दिए जाएंगे। उसके बाद यहां से अपने अपने शोभा जात में तुलबा चले जाएंगे और वहाँ पे शोभा हर शोभे के साथ ओरिएंटेशन अलहदा से होगी और उसमें जो है वो HODs और उनके उसातजा आपसे मुखातिब होंगे और आपसे बात करेंगे अपने शोभे के मतलब और यूनिवर्सिटी के मतलब तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ सदूर शोभा जात के नाम लेकर आपको बताता चलूँ कि किस किस शोभा के हेड जो हैं वो कौन से साहिब हैं। सबसे पहले शोभा तजारती नज़मियात जिसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर नसीम कैसर साहब खड़े हो गए, उन्होंने आपकी तरफ हाथ हिलाया है। ये हमारे शोभा तजारती नज़मियात के हेड हैं डॉक्टर नसीम कैसर साहब। शोभा इकोनॉमिक्स मुआशियात के डॉक्टर एहतशामुल हक बड्डा साहब। शोभा मैथमेटिक्स के जो आपसे मुखातिब थे डॉक्टर आमिर नदीम साहब इंचार्ज कैंपस, ये हमारे शोभा मैथमेटिक्स के हेड भी हैं। शोभा इस्लामियात के डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। शोभा कॉमर्स के डॉक्टर गजाला शाहीन साहिबा हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। शोभा फिज़िक्स अप्लाइड फिज़िक्स के डॉक्टर इमरान शहजाद साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। शोभा मैथ्स कम्युनिकेशन डॉक्टर उज़्मा सिराज साहिबा हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। और शोभा इंटरनेशनल रिलेशंस की हेड भी मैडम डॉक्टर उज़्मा सिराज साहिबा ही। शोभा उर्दू डॉक्टर फहमीदा तबस्सम साहिबा हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। और शोभा कंप्यूटर साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर मोहम्मद शिराज साहिबा।